गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वजन ब्लॉग। और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है छोटी दिवाली, आप सभी लोग को हैप्पी दिवाली। और छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है। तो आज हम लोग जाएंगे सब वॉक करने, मतलब टहलने जाएंगे। शाम का टाइम है और यहाँ पर ना सजावट बहुत अच्छी से हो रखी है। मतलब यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने, MLA ने सजावट बहुत अच्छी करी है हमारे यहाँ सिटी में। तो हम लोग आज सब लोग देखने जाएंगे और देखिए कैसे सजावट वगैरह कैसी है। अभी तक मैं गई नहीं हूँ, आज हम पहली बार जा रहे हैं। मतलब घर से टाइम ही नहीं मिला था। आजकल की इब्राहिम की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उसको थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसको डेंगू हो गया है। तो उसमें लगे रहती हूँ, दिन भर टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। तो बस थोड़ा सा टाइम निकाला है, आज जाएंगे हम लोग घूमने। थोड़ा सा इब्राहिम भी घूम लेगा, उसका थोड़ा दिल अच्छा हो जाएगा मैंने सोचा, वरना मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर जाने की। तो चलिए आज चलते हैं टहलने। मैं दिखाती हूँ आपको कि हमारी सजावट कैसी हुई है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग निकल पड़े हैं घर से और ऑटो में बैठ गए। हम लोगों ने ऑटो बुक कर लिया है। तो असल में ये ट्रिप जो है हम लोगों को घूमने फिरने की दी है हमारी बड़ी नंद ने, वो सबको घुमाने ले जा रही हैं आज। ये देखिए सजावट यहाँ से शुरू हो जाती है। ये देखिए ये गोल चक्कर है यहाँ पे, मतलब चौराहा है ये। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा गेट बना है। और मतलब जहाँ भी जाओ वहाँ पे लाइटें लाइटें सजावट है, सब जगह अलग तरह के दरवाजे गेट बने हुए हैं। ये हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ गए हैं, हम लोग बढ़ गए हैं लालबाग की तरफ, मार्केट की तरफ बढ़ गए हैं। यहाँ भी सभी घरों में सजावट है, बहुत ही अच्छा लग रहा था मतलब आज। और मैं काफ़ी टाइम के बाद निकली हूँ घर से, घर से निकलने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे बिल्कुल भी। तो बस बहुत अच्छी अच्छी लाइटें लगी थी घरों पर, बहुत ही देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था सब कुछ। और हम लोग बहुत दूर तक आज, मतलब पूरे आसपास के पूरे इलाके में हम लोग घूमे थे ऑटो से, बहुत अच्छा लगा था। तो बस आप पूरा ब्लॉग देखिएगा, मैं आपको उसमें दिखाऊंगी कि सजावट कैसी कैसी हुई है पूरा आसपास के एरिए में। हम लोग काफ़ी दूर तक जाएंगे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सजावट हुई है। Thank you.
तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया था। हम लोगों ने रास्ते में यहाँ पे बताशी भी खाए थे और थोड़े से पोटैटो फ्राइज़ बच्चों के लिए पैक करवा लिए थे, क्योंकि इब्राहिम की तबीयत ठीक नहीं, तो आजकल कुछ खाना वाना नहीं खा पा रहा है, तो उसके लिए थोड़े पोटैटो फ्राइज़ ले लिए थे और बताशी वगैरह हम लोगों ने खाए थे। और बहुत मज़ा आया, हम लोग पूरा पार्क की तरफ ही गए थे घूमने, तो कुनिया पार्क की तरफ। वहाँ भी सफ़र बहुत अच्छी हुई है, मैंने सब आपको दिखाया है, पूरा आसपास का एरिया दिखाया है मैंने इस वीडियो में, सजावट कैसी हुई। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी देर हो चुकी है, मतलब हमें 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है घूमते घूमते। तो अब यहाँ पे हम घर की तरफ जा रहे हैं और बस यहाँ भी मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि सजावट कहाँ कहाँ हुई है। बहुत ही अच्छा लग रहा था एक्चुअली, ये वीडियो बना रही थी, फरीज़ा आगे बैठी थी तो वो बना रही थी ऑटो में, और मैं इब्राहिम को लेके पीछे बैठी थी ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उस पर इस टाइम ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, वरना तो स्कूल वगैरह जाता है तो वो दिन के पूरा दिन के बाद आता, दिक्कत नहीं करता, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से ना इस टाइम ज़्यादा दिक्कत परेशान कर रहा है और पूरा दिन देखना होता है, इसलिए उस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, इसलिए भी ब्लॉग भी नहीं आ पा रहे हैं। तो बस आप लोग थोड़ा सा समझें, मैं ब्लॉग डालूँगी, थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए उसकी। और बस हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, घर पर जाके हम लोग पटाखे वगैरह फोड़ेंगे, तो वो भी आगे वीडियो है, आप देखते रहिए पूरा ब्लॉग। चलेगी 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 चलेगी, अम्मी का भी वीडियो बना लेना, वो बनाए था ना सब, बाकी तो सब कूदेंगे। पहले तुम हम बना, तुम बना, तुम बना, रुको रुको, रोशनी तुम बना।